सैनी घराना की सुप्रसिद्ध सरोद वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की रत्न उस्ताद बहादुर खां साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को उन्होंने अपनी मौलिक रागों की सृष्टि कर जो देन दी है उसे समृद्ध बनाया है। भारतीय सिने जगत को अपनी समृद्ध कला का जो उपहार दिया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उन्होंने जीवंत संगीत देकर उसकी आत्मा को जिस तरह जीवित किया है, इन सब के माध्यम से वे हमेशा हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमारी स्मृतियों में रहेंगे। इस वक्त स्टूडियो में उनके दोनों पुत्र विद्युत खां साहब और किरीट खां साहब उपस्थित हैं। हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे बातचीत कर बहादुर खां साहब की याद को ताज़ा करते हैं। तो पहले मिलिए विद्युत खां साहब से। विद्युत खां साहब नमस्कार। आप तो कुशल सरोद वादक हैं और आपने संगीत का प्रशिक्षण अपने वालिद से ही हासिल किया है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है आपने सरोद वादन का प्रशिक्षण काफ़ी देर से लेना आरंभ किया, यानी 12 वर्ष की अवस्था से। ऐसा क्यों हुआ? ये पहले हम जब हमारा 5 साल हुआ तब पियाज हमको बोला पहले तुम तबला सीख लो। तो हमारा ग्रैंडफादर लेट उस साथ आए थे लिखा सबके पास में हम सीखा। इसके बाद हम बॉम्बे में गया पिताजी के साथ में, उधर में पंडित शांता प्रसाद जी के पास में 1 साल सीखा। इसका जॉब लेटर है कोलकाता में प्रोफेसर अनिल भट्टी के पास में सीखा। मतलब आपने तबला वादन का प्रशिक्षण आरंभ में लिया? हाँ। और वो भी आपने अपने पिता के आग्रह पर? हाँ। और प्रारंभिक प्रशिक्षण आपने तबला का आयत अली खान साहब से लिया? हाँ। और उसके बाद आपने अंत में अनिल प्रोफेसर अनिल भट्टी के पास में। इसके बाद जब हमारा 12 साल हो गया तो पिताजी ने बोला अभी ठीक है तुम चलाओ सरोद आरम्भ करो। तो इससे हम सरोद शुरू किया। तो इससे क्या आपको कोई लाभ हुआ पहले तबला का प्रशिक्षण लेने में? बहुत लाभ हुआ, इसलिए ताल लय जो है बहुत हमको मजबूत हो गया। अच्छा, तो इसलिए सरोद वादन का प्रशिक्षण लेते समय आपको ताल और लय संबंधी, चूंकि आपकी बैकग्राउंड काफी मजबूत रही तो इस तरह की असुविधा आपको नहीं हुई और काफी सुविधा हुई आपको सरोद वादन का प्रशिक्षण लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्युत साहब। किरीट साहब, आपने तो काफी छोटी अवस्था से ही सितार वादन का प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया था, लेकिन एक चीज बताएं, आपके परिवार में तो काफी कुशल सरोद वादक रहे हैं, आयत अली खान साहब, फिर खुद बहादुर खान साहब, अली अकबर खान साहब, ये सभी काफी कुशल सरोद वादक रहे हैं, फिर आपने सितार वादन का प्रशिक्षण लेना क्यों स्वीकारा? एक्चुअली ऐसे बात क्या है, हम नहीं चाहते थे सितार सीखने के लिए। फिर हमारा ग्रैंडफादर, यू नो माय एक्चुअली माय फैमिली दे आर ऑल ऑफ साउथ ईस्ट प्लेयर, यू नो साउथ ईस्ट, ऑल साउथ ईस्ट। सो दैट टाइम माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर ही टोल्ड मी प्लीज यू मस्ट लर्न सितार। मतलब चूंकि आपके परिवार में सब सरोद वादन में निपुण थे, इसलिए उन्हीं की इच्छा थी कि सरोद वादन से हटकर कोई अलग विधा आपको सिखाई जाए। हाँ। क्या यही मूल कारण था? नहीं, एक्चुअली आप तो जानते हो फैमिली में तो हमारा सब सरोद ही है ना। जी हाँ। तो बाबा चाहते तुम सितार सीखो, सितार तो नहीं है हमारा खानदान में। जी हाँ। तो इसीलिए मतलब सरोद वादन से हटकर सितार वादन एक परिवर्तन के लिए। हाँ। और एक नई विधा को अपनाने के लिए आपको ये कला विशेष सीखने को बाध्य किया गया या उसका आग्रह किया गया? लेकिन आपने ये ऐसा अपने पिता के आग्रह पर। हाँ। और बड़े बुजुर्गों के आग्रह पर किया। हाँ। और आपकी अपनी रुचि वैसे कैसी है? एक्चुअली तो हम चाहते थे सरोद सीखने के लिए ना। मतलब तो आपकी रुचि वैसे सरोद वादन की तरफ? हाँ। अच्छा, तो उन लोग जो हमको बोला सितार सीखने के लिए तो सितार में हमने आ गया। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको सरोद वादन का प्रशिक्षण पाने की अनुमति दी गई होती तो आप उसमें इससे कहीं बेहतर करते? हाँ, जरूर। ऐसा क्या, अभी तो हम पहले 1 साल हो गया, हमने अभी सुर भी सीखा पिताजी के पास। अच्छा। शुरू किए थे हमने 1 साल पहले,
तो अभी तो पिताजी डेट होने के बाद अभी सोचेंगे क्या करेंगे अभी। तो क्या आप उसे जारी रखना चाहते हैं सुरभार को? हाँ हाँ, अब देखेंगे क्या होते आगे। एक और प्रश्न है, समय तो हालांकि बहुत कम है और लेकिन हम और हम चाहते हैं कि आपकी आप दोनों भाइयों की कला का भी उन्हें कुछ नमूना मिले। लेकिन चलते चलते एक और प्रश्न, अक्सर देखा गया है कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया से जिन कलाकारों ने संबंध रखा है वे अक्सर सिने जगत से जुड़ना बहुत पसंद नहीं करते या जुड़ते नहीं, लेकिन बहादुर खान साहब ने सिने जगत को भी अपना पूरा योगदान दिया और काफ़ी सफल रहे, जैसे सुवर्ण रेखा, गरम हवा, हाँ। फिर जे जखा ने दाड़ी, नूतन पाता आदि, हाँ। फिल्मों में उन्होंने कुशल संगीत निर्देशन दिया, हाँ। तो इसका क्या कोई विशेष कारण रहा है? एक्चुअली पिताजी जाते थे म्यूजिक देने के लिए, हाँ। तो उनको बहुत इच्छा था जहाँ म्यूजिक कॉम्पिटिशन करेंगे। फिर पहले तो उनको फिर रित्य घटक उनके पास आए कलकत्ता में ढाका से, तो उनका फर्स्ट फिल्म था सुवर्ण रेखा, तो सबसे पूछे जा हम चाहते हैं आप म्यूजिक हमारा जो पिक्चर अभी बनाएंगे तो चाहते हैं आपको म्यूजिक देने के लिए। तो पिक्चर तो बहुत खुशी हुई, ठीक है हम देंगे म्यूजिक से क्या बात है। इसी पहले तो बाबा अब मालूम होगा लिटिल बैरेट ट्रूप जो है भोपाल में, हाँ। बहुत इसका म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी किया, रामायण और इस से बहुत कॉम्पोजिशन किया बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहादुर साहब खां के बारे में जो बताया। और अब चूंकि समय गुजरा जा रहा है इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप दोनों भाई हमारे दर्शकों के सामने कुछ ऐसी प्रस्तुति प्रस्तुत करें जिनसे बहादुर खां साहब की याद फिर से ताज़ा हो जाए। कौन सा राग? किरवानी। राग किरवानी आप बजाने जा रहे हैं और उसके बाद क्या बजाएंगे? बस एक दिन तक में ऐसे बस, अच्छा। टाइम तो बहुत शॉर्ट है मालूम है।